हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक सब ओडिशार जी अच्छा छात्र छात्री मैंने समस्त जे मैंने ओडिशा ओपीएससी एग्जाम दौरान एसएससी एग्जाम दौरान कि यूपीएससी एग्जाम दौरान जेकोसी एग्जाम लाइक प्रिलिम्स हो मेन्स हो कि इंटरव्यू हो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कालिया योजना बहुत फेमस योजना ओडिशा जोड़ा कि ऑल ओवर इंडिया रे बहुत चर्चित होता जहाँ बेसीस कि तुम अल्सो पीएम किसान जो योजना अच्छी सेंटर से आसला कहु टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम कालिया योजना एंड रायतु बंधु ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। सो कालिया योजना कालिया फुल फॉर्म कौन कृषक आसीस्टान्स कृषक के फॉर कृषक ए फॉर आसीस्टान्स फॉर एल फॉर लाइवलीहुड एंड आई फॉर इनकम ए फॉर ऑगमेंटेशन। तो कृषक मानको आसीस्टान्स दिया होची फाइनेंशियल आसीस्टान्स कौन पाई तांको लाइवलीहुड पाई आउ इनकम ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेशन माने कौन इनकम को बढ़ेगा पाई हला। तो तांको लाइवलीहुड को मेंटेन करिया पाई एंड इनकम बढ़िया पाई दिया जाउची का मानको कृषक मानको। तो फार्मर स्पेसिफिक स्कीम एटा ओके। सो नाउ तो फुल फॉर्म अगेन कृषक आसीस्टान्स फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट। तो तुम जान थो जोटा कि सेन्टर में जोड़ा को मिनिस्ट्री कहती स्टेट लेवल ताको डिपार्टमेंट कहते ओके। तो किंतु डिपार्टमेंटर जी हेड सी जे मिनिस्टर रे कैबिनेट रैंक रो कि हला। तो ये किए मिनिस्टर अच्छा सी मिनिस्टर है डॉक्टर अरुण कुमार साहू। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट ओडिशा रो किए तार मिनिस्टर अच्छा डिपार्टमेंट रो हेड डॉक्टर अरुण कुमार साहू ओके। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सो नाउ कालिया योजना स्टार्टेड फ्रॉम द रबी सीजन ऑफ 2018-19। तुम जानते हो 2019 में इलेक्शन होता जस्ट ता पूर्व ही 2018 डिसेंबर 2018 रे मिस्टर नवीन पटनायक हि इज द सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। सो ही अनाउंस दिस वेरी फेमस कालिया स्कीम ओके। केबे तले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होला यार रबी सीजन ऑफ 2018-19। तो तुम जानते दुई ऑल ओवर इंडिया दुईटा सीजन बहुत फेमस जो थे कि मेनली एग्रीकल्चर हुए गोटे है खरीफ सीजन आउ गोटे रवि सीजन। खरीफ सीजन केवे स्टार्ट हुए तुम मनसून टाइम राइट जून जुलाई में स्टार्ट हुए आउ रवि सीजन ड्यूरिंग विंटर है रवि सीजन में मेनली तुम सी नॉर्थ वेस्ट इंडिया मैंने जो पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एरिया तुम गहम चाष ये सब हुए जो सीजन में तुम जो विंड आए कौन नॉर्थ वेस्टर ने क्या बोलते उसको नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस राइट। तो दी प्रकार सीजन था तो मेनली रवि सीजन रो स्टार्ट होता यहाँ। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच आर द क्रॉप्स अंडर खरीफ सीजन एंड रवि सीजन ओके ओके। नाउ अमाउंटिंग टू ओवर 10,000 करोड़। तो ये जो स्कीमटा अनाउंस कले जिते बारे से 2018 रे से टाइम 10,000 कोटी टंकार स्कीमटा से बनई थे है जार कि 5टा कंपोनेंट थी आम पढ़ा यहाँ। सो द स्कीम हेज बीन टेलर टू रिलीव द डेट रिडन फार्मर्स फ्रॉम द डेट ट्रैप। तो जानते हो फार्मर्स मानक जनरली लोन मिले को बहुत असुविधा हुए जनरली बैंक्स मैंने एत आग्री मानने इच्छुक करती फार्मर्स मानक लोन देवाई तार भी बहुत कारण अच्छे कहीं जेनराली तुम जी क्रॉप खराब हो जाए बिकज ऑफ इरीगेशन मैंने तुम वर्षा नापी कहीं बहुत इंडिया बहुत प्रकार जमी अच्छी जोटा कि एग्रीकल्चर जमी जो थे कौन इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो से कौन आम के फ्लड हो जाए के तुम बात्या जाए राइट। तो से कौन जो फार्मिंगटा खराब हो जाए तो तेणु तक रिकवरी बहुत आशा कम थाए। तो से जेनराली गवर्नमेंट कौन कै बहुत टाइम इंटरेस्ट जो थाए तार इंटरेस्ट सब्सिडी दे दिए कि कौ टाइम तुम जो इलेक्शन पूर्व लोन को ही क्षमा कर दिए फार्मिंग लोन है जोड़ा छोटे छोटे लोन था 10,000-20,000-50,000 काइंड ऑफ। बहुत टाइम जो था बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग ऑल्सो जो फार्मर्स मैंने कौन से जो लोकल जमींदार मूँ लोन आनी था बहुत हेवी इंटरेस्ट आ डेट रेट फसी जाती है समूल सुध कौन से कहते जो चक्रवर्ती सुध राइट। तो से तो ये सब स्कीम रु जिनस वंचित करने मैंने बाहर करने डेट ट्रैप्रु ओडिशा गवर्नमेंट कौन कला गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंस देला कि सो दैट यू तुमको जो बिफोर चाष पूर्व तुम फर्टिलाइजर पर सीड्स तुमको कौन कराया पड़वानी जो जमीदार पाखु हेवी इंटरेस्ट लोन आने पड़वान है। सो कीपिंग ए प्रागमेटिक विजन टू डायरेक्टली अटैक पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वल्नरेबल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स लैंडलेस लेबरर्स एज वेल एज स्मॉल एंड मार्जिनल कल्टिवेटर्स ऑफ द स्टेट। एक्चुअली यार लाइक प्रोज एंड कॉन्स रही है जनरली प्रोज है कौन हाँ तुमको लोन मिलगला जहाँ निहाती दरकार था बट कॉन्स है कौन से एक्चुअली एग्रीकल्चर खर्च करुच्छी कि नहीं कि अलग काम यूज कर दूसरी। सो जेनरली गवर्नमेंट जो जनरली स्कीम्स थाए कौन थाए से डायरेक्टली मानने पैसा न देखिए कौन करती
फर्टिलाइजर सब्सिडी दिखती कि एग्रीकल्चर तुम जो सीड्स दिखती सब्सिडी कि तुम जो इरीगेशन सब्सिडी दिखती सो ये सब जिनस नक गोटे नुआ से आईडिया बाहर कले कि डायरेक्टली टाँह ही देदेव सो दिस इज तो यहाँ गोटे पायलट बेसीस होता फॉर लास्ट प्रथम तीन वर्ष जो होता है इनिशियल स्कीम टे आनाउंस होता सॉरी 10,000 करोड़ रुपीज रो तो व्हाट इज द पर्पज गोल ऑफ द कालिया स्कीम फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड इंश्योरिंग द कल्टिवेटर्स इज एसेंशियल टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड टू बूस्ट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट है तो तार गोल कौन है फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को फाइनेंस कल बिकॉज तुम फार्मर्स मानक दौ टारगेट करके एग्रीकल्चर को आउ इंश्योरेंस भी यार गोटे गोटे अच्छी इंश्योरिंग द कल्टिवेटर्स ऑल्सो है तो क्षेत्र कौन है इराडिकेट पॉवर्टी तो डायरेक्टली रूट ऑफ द पॉवर्टी आम कौन कलु फोकस कलु टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड टू बूस्ट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट तुम जानते टैगलाइन टा लास्ट टाइम देखिले कौन कृषि कले उन्नत सकल उन्नति कालिया ग्रीन कलर लिखाई है ता तले गोटे धान चिन्ह अच्छी राइट आठ कौन लिखाई है कृषि कले उन्नत कृषि को जब तुम उन्नत कर सकल उन्नति हे कहीं ऑब्वियसली अराउंड 60% इन ओडिशा एंड मोर देन 50% इन ऑल ओवर इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑल्दो फॉर जीडीपी इट इज कंट्रीब्यूशन वेरी लेस 15-20% लाइक दैट राइट सो कृषि कले उन्नत सकल उन्नति तो कृषि एग्रीकल्चर भी उन्नति होगा पॉवर्टी रो भी से डेट साइकिल मुक्त पाइले सो लाइक दैट सो आई स्टडीड दिस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स एम्पावरमेंट अरुण कुमार साहू स्टार्ट के रबी सीजन ऑफ 2018-19 इनिशियली तार केते थिला तार ये बजेट 10,000 करोड़ रुपीज ओके और गोल कौन है टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड टू बूस्ट शेयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कालिया स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू लैंड फार्मर्स विथ एन ऑल इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम एनश्योरिंग एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर लल प्रॉस्पेरिटी है तो ये कौन कर स्टेट गवर्नमेंट कौन एम कर इनक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम रखिए एनश्योरिंग कौन एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी तुम जो एग्रीकल्चर जो मिलूला जो प्रॉस्पेरिटी को कौन हो एक्सेलरेट कर मैंने बढ़ेदेव से ऑगमेंटेशन लिखाई ना इनकम ऑगमेंटेशन है एट द हार्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव स्कीम लाइक कालिया लाइज द मोटिवेशन टू एम्पावर द फार्मर्स ऑफ द स्टेट विथ फाइनेंस ऑप्शंस दैट विल एनेबल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ओडिशा सेम वही कृषि कले उन्नत सकल उन्नति होता ना द बेनिफिशियरी फार्मर हैज टू बी ए परमानेंट रेसीडेंट्स ऑफ द स्टेट तो किए बेनिफिशियरी अंडर अच्छी सी कौन होता दरकार सी परमानेंट रेसीडेंट होता दरकार स्टेट्र आउ सीए हिम सी निजे कि तार जो स्पाउस थी हजबैंड और वाइफ दे कैन नॉट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पीएसयू एम्प्लॉय टैक्स पेयर है इनिशियली यहाँ थी तुम क्राइटेरिया सी परमानेंट स्टेट रेसीडेंट होगा दरकार ओडिशार डोमिसाइल आउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं कि पीएसयू मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी गवर्नमेंट कंपनी काम कर स्टेट्र हो कि सेन्टर कि टैक्स पे ही नथिबो ऑब्वियसली तुम जब टैक्स पेयर दौ लाइक मोर देन 3.5 lakh पर एनम सो देन व्हाट योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड यू डोंट नीड सपोर्ट सो लाइक दैट सो दे आर टारगेटेड द लोअर क्लास मतलब जार कौन इनकम कम अच्छी ही टारगेट करता सो कालिया स्कीम ब्रिंग्स अंडर इट्स अम्ब्रेला 92% ऑफ कल्टीवर्स ऑफ द स्टेट सो आउट ऑफ जति कल्टीवर्स अच्छा ओडिशा स्टेट्रे तार 92% को से कवर कला 92% दैट टू लोअर तो से संख्या अच्छे 30.1 lakh सो अलमोस्ट 30 lakh 30 lakh फैमिली फार्म फैमिली राइट एंड अलमोस्ट ऑल नीडी लैंडलेस कल्टिवेटर्स हु कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम थ्रू डीबीटी मोड डीबीटी मैंने तुम जानते हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ जो थे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रही है बाट मारणा हो पैसा सो दैट्स व्वे डीबीटी मोड्रे तुम जानते हो नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ओके सो दिस इज व्हाट नाउ लेट्स सी अबाउट द फार्मर्स डाटा ऑफ ओडिशा एज पर सेंसस 2011 तुम जानते हो लास्ट सेंसस होता 2011 आउ सेकेंड 2002 मीनस नेक्स्ट वाला तुम 2021 हो सेंसस स्टार्ट इंडिया तुम कैन एनीबॉडी राइट इन द कमेंट सेक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम व्हेन इट वाज स्टार्टेड इट वाज स्टार्टेड एक्चुअली ऑफिशियली इन ड्यूरिंग 1871 एक्चुअली होता बट इट इज अ पायलट बेसिस 1881 स्टार्ट होता ड्यूरिंग लॉर्ड रिपोन ओके सो देर आर सो एज आई सेड मोर देन 60% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड इन द स्टेट है इफ इट विल आस्क फॉर यूनियन सो मोर देन 50% देर आर 32.8 lakh कल्टिवेटर्स एंड 24.2 lakh लैंडलेस लेबरर्स
ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 32.8 lakh ତାର 92% ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ହେଲା, ଆଉ 24.2 lakh ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଟିନାଣ୍ଟସ୍ ଟିନାନ୍ସି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସୋ 24.2 lakh ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବରର୍ସ ହୁ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଜ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେବରର୍ ତୁମର ଲାଇକ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି କି ତୁମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଫୋକସିଂ ହିୟର୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଓକେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଯିଏ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଥିବେ ତ କେ ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ଦେ ସୁଡ୍ ବି ୱାର୍କିଂ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ୍, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 6 months ଅର୍ ମୋର୍ ଇନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଲର୍ଟ ସେକ୍ଟର। ତ ବର୍ଷକୁ ଯିଏ 6 months ଅଧିକା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏରିଆରେ କାମ କରୁଥିବ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର୍ସ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 24.2 lakhs। ଆଉ ତ ଆଉ 32.8 ଯଦି 92% କରିବା କେତେ ହେଉଛନ୍ତି 30.1 lakh। ଓକେ, ସୋ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ତା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେଟର୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ 2020 and 2021 ଯେଉଁ ଆମର 2020-21 ହେଇଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ ଦ ସେୟାର୍ ଅଫ୍ GSB ଏ କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼େଡ୍ ହେଲା, ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼େଡ୍। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ 2020-21 ଅନୁସାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟରରୁ କେତେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ସିଏ 21.27%। ବଟ୍ କେତେ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ 60%। ସୋ 60% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ କେତେ ତାଙ୍କର ସେୟାର୍ ହେଉଛି GSBA ୟା GDPରେ 21.27% ହେଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ 36.26% ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦ GSBA। ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି 42.47%। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ 20-30%। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ତୁମର ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦିସ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର, ପଭର୍ଟି ତୁମର କେବେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବନି। ଓକେ, ସୋ ଦେଟ୍ସ ୱାଇ ଦ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଦ ଲୋୟର୍ ଲେଭେଲ୍, ମାନେ ଯାହାର କ'ଣ ଫାର୍ମିଂ କମ୍ ଅଛି ହେଲା, ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ବେସିକାଲି। ସୋ ଦେଆର୍ ଆର୍ 5 components ଅଫ୍ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ତ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଯଦି ତୁମେ କରୁଛ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଫଟୋ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଜ୍ ଥିବେ ବଢ଼ା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଫୋର୍ଥ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର୍ସ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ତୁମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଗେରା ଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବି ଅଛି ତୁମର ସେଣ୍ଟର ପାଖରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଇନ୍ ଦ କମିଂ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ସ। ତ ସେଇପାଇଁ ବି କିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର LIC ପକ୍ଷରୁ ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି କ୍ରପ୍ ଲୋନ୍। ତ କିଛି ଅପ୍ ଟୁ ସମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ 5 components ହୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 2018-19 ଡିସେମ୍ବର। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ଥାର୍ଡ ଇଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଭଲ୍ନେରେବୁଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲେବରର୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି କ୍ରପ୍ ଲୋନ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ସମସ୍ତ ଏଇ 3 କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ରହିବ, ବଟ୍ ଏଇ 3 ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ହିଁ ମାନେ 3 କଥା କେହି ମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେନି, ଆଇଦର ୱାନ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଦର ତୁମ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜମି ଥିଲେ ବି ନଥିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଭଲ୍ନରେବଲ୍ କାଟେଗୋରି ଯାଉଛ। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲେମ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଓକେ ନଟ୍ ଅଲ୍, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ସୋ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଇଟ୍ ନାଉ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍। ଓକେ, ସୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ₹25,000 ପର୍ ଫାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଭର 5 seasons। ତ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା 2018 ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ 5 seasons ପାଇଁ ଦେବା 5,000 ଲେଖା। ଓକେ, ତ ଇୟରଲି କେତେ ହେଇଯାଉଛି 10,000, କାହିଁକିନା ଡିସେମ୍ବରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ରବି ସିଜନ୍ରେ। ସୋ ସୋ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର ହେଲା। ତ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେଉଛି ହେଲା, ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମର୍ଜ ୱିଥ୍ PM କିଷାନ, ୱିଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ। ତ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଆମେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଫାର୍ମ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେବୁ ଓଭର 5 seasons।
ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି 92% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପୂର୍ବା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯାହାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି 30.1 lakh। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାର୍ମର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ସିଡ୍ସ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ହେଲା। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ହୁ ଆର୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ହୁ ୱାନ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 hectare, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2.47 acre ଅର୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି 2.5 acre ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ। ତ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଅର୍ 2.5 acre ଜମିଠୁ ଯାହାର କମ୍ ଜମି ଥିବ, କେଉଁ ଜମି ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ହୁ ୱାନ୍ସ 1 hectare to 2 hectares। ସୋ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରୁ 2 hectare ଭିତରେ, ନହେଲେ କ'ଣ କହିପାରେ 2.5 acre to 5 acre ଭିତରେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହାର ଥିବ ସେଇଟା ସ୍ମଲ୍। ସୋ ମାର୍ଜିନାଲ ଇର୍ ଯେ ମୋର୍ ସ୍ମଲ୍ ଦେନ୍ ସ୍ମଲ୍, ମାନେ ତାଠୁ ବି ସାନ ସ୍ମଲ୍ ଠୁ, ହେଲା, ଲେସର୍ ଦେନ୍ ସ୍ମଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ। ତ ଏଇ ମାର୍ଜିନାଲ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର ଯଦି ମିଶେଇଦେବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30.1 lakh, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 92% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଲା। ଆଉ ଫାର୍ମ ଫ୍ୟାମିଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ହିଁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁ ୟୁଜ୍ ଦ ସେମ୍ ରାସନ ନମ୍ବର ଆର୍ ପୁଟ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ଫାର୍ମ ଫ୍ୟାମିଲି, ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାସନ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ମିଳୁଥିବ ସାହାଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ମିଳେ ଧାନ କି ଗହମ, ରାଇଟ୍, ଚାଉଳ। ସୋ ସେମ୍ ରାସନ ନମ୍ବରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କରାଯିବ, ଜେନେରାଲି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କନସିଡ଼ର କରାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ହେଲା, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେଇନି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ସୋ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ 5 cropping ସିଜନ୍ସ, 5000 ଲେଖା ଯଦି 5 ଏମିତି କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ, 25,000 ଟଙ୍କା। 25,000 ଯଦି ତୁମକୁ 30.1 lakh ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ହେଲା, କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ଆବାଉଟ 3016 crore ରୁପିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆନୁଆଲି। ତ ଆନୁଆଲି ଯଦି ଏତିକି ହେଉଛି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା, 7,540 crore। ତ 5 ସିଜନ୍ରେ ଯଦି 5,000 ଲେଖା ଦେଉଛୁ ତୁମେ 25,000, ତ 25,000 × 30 କରିଦେଲେ 75 ହେଇଯାଉଛି, ହଁ, 7,540 crore ତୁମର ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଦେବେ, ଅବଭିଅସ୍ଲି 5 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଦେଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଓକେ, ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସି ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ଦିସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିନଥିଲି, ଲାଇକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ 5 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସୋ ମେନି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିନଥିବେ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲିସନ୍ ଇଟ୍ କେୟାରଫୁଲି। ଆଉ ୟାର 5 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳୁଛି ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10,000 ଇୟର୍ଲି ମିଳିଯାଉଛି। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବି PM କିସାନ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ଲାଇକ୍ 10,000, ହେଲା। ତ ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ PM କିସାନ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ମର୍ଜ ହେଇଗଲା, ହେଲା, ମର୍ଜ ହେଲା ପରେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଟ୍ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ସେଥି ଅନୁସାରେ 6,000 × 4,000 ମିଶେଇକି 10,000 କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ତ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର ମାନେ କ'ଣ, ଫାର୍ମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ହେଲା। ସୋ ୟେସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ, ତ ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁ। ଇଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ହାଉସହୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଏବାଉଟ 1,000,000 ଲୋକ ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ 12,500 ରୁପିଜ୍ ଫର୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଇଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ହେଲା। ଅଲଦା ଏଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ଅଧିକ ଅଛି, ସେ ଇନିସିଆଲି ତୁମର 3 ଭିତରେ 1,000,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ହାଉସହୋଲ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ 3 ଭିତରେ, 3 ମାନେ ତୁମର ସେ 2018-19 ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 1,250 crore, ଅବଭିଅସ୍ଲି 12,500 ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି ତୁମେ 3 କରିଦେବ, ତ ସରି ଇଣ୍ଟୁ 10 lakh, ନଟ୍ 3, 12,500 × 10 lakh କରିଦେଲେ 1,250 crore ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍। ଏଇଠି 5,067, ତ କେତେ ହେଉଛି 600,000 × 6,000 = 1,000,000, ତ 1,250 ହେଉଛି, ୟେସ୍। ସୋ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଇଡ଼୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଟିନାଣ୍ଡ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଆଲାଇଡ଼୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ମାନେ ଘରେ ତୁମର ଛୁଟି ଜାଗାରେ ଯିଏ କରିପାରିବ, ଯେ କି ଲାଇକ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗୋଟ୍ ରିୟରିଂ ୟୁନିଟ୍ କି ମିନି ଲେୟାର୍ ୟୁନିଟ୍, ଡକରୀ ୟୁନିଟ୍, ଡୁଆଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ଲୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ଡ୍ ୟୁନିଟ୍, ତୁମେମାନେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ଯଦି ରଖୁଛ, କି ତୁମର ଛୁଟିଆ ପଣ୍ଡ ଅଛି ଫିସରୀ କରୁଛ, କି ମସରୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛ, ବି କିପିଂ କରୁଛ, କି ଡେରୀ ଫାର୍ମିଂ ଅର୍ ଟସର୍ ଫାର୍ମିଂ, ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ପରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଇନିସିଆଲି ଏତିକି ଥିଲା, ପରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଡେରୀ ଫାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ଟସର୍ ଫାର୍ମିଂ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ବି କରୁଛ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ତୁମେ ମାନେ ତୁମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସିକାଲି, ଆଉ ତୁମେ ଟିନାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛ ଅନ୍ୟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ 12,500 ରୁପିଜ୍।
ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କାଟେଗୋରି ଆସୁଛ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସୁନ ରାଇଟ୍ ତୁମର ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭିଅସ୍ଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ସ୍କିମ୍ ସୋ ଆଇଦର ଦିସ୍ ଅର୍ ଦେଟ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ଲାଇକ୍ ଦେଟ୍ ବଟ୍ ସେଥିରେ କେତେ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଥର ପାଞ୍ଚଟା ସିଜନ୍ରେ 5,000 ଲେଖା ପାର 25,000 ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ତିନି ବର୍ଷରେ 12,500 ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ସୋ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ 12,500 ମିଳୁଛି ଏମିତି ନୁହଁ କି ସୋ ଇନିସିଆଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କି ନୋ ନୋ 10,000 ଲେଖା ତିନି ବର୍ଷ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦେଟ୍ ସୋ ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ହେଲା 12,500 ଟଙ୍କା ଦେଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରବି ସିଜନ୍ ଅଫ୍ 2018-19 ଟୁ 2020-21 ବଜେଟ୍ ଇୟର୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ଥର୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଭଲ୍ନେରେବୁଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ତ ପ୍ରଥମ କାଟେଗୋରି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କାଟେଗୋରି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲେବରର୍ସ ତ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯାହାର ଫାର୍ମ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଟ୍ ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା କାଟେଗୋରି ଆସୁଥିବେ ବେସିକାଲି କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲେବରର୍ସ ବଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଅର୍ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ରିଜନ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରୁନଥିବେ କି ସେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କି ଲାଇକ୍ ଛେଳି ଚାଷ ଫିସରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁନଥିବେ ହେଲା ଦେର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନି ଫାର୍ମର୍ସ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ମେ ନଟ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲେବର୍ସ ମେ ନଟ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହାଭିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ରିଜନ୍ ଡିଜର୍ଭିଂ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ତ ଏଇମାନେ କିଏ ମାନେ ଡିଜର୍ଭିଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କିଏ କରିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓକେ ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସଚ୍ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଅର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚରାଲ ଲେବରର୍ସ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ 10,000 ପର 10,000 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଭର୍ 2 ଇୟର୍ସ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ମିଳିବ ହେଲା ଟୁ ଏନେବଲ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦିଅର୍ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ତ କାହିଁକିନା ସେମାନେ କ'ଣ ନାଇଦର ପ୍ରଥମ କାଟେଗୋରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କାଟେଗୋରିରେ ନା ତାଙ୍କୁ 25,000 ମିଳୁଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ତାଙ୍କୁ 12,500 ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ପେନ୍ସନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ 2 ବର୍ଷରେ ତ ଭାବ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଗଲେ କେତେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଯିବ ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ରାଇଟ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ ଟୁ ଯଦି ତୁମେ କରିବ 5,000 ତ ଏତିକି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ତ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗଲା 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଲକ୍ଷ ସୋ 1,000 କ୍ରୋର୍ ରାଇଟ୍ ସୋ 2019-20 ଆଉ 2020-21 ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନୋ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଉଡ୍ ରିସିଭ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଦର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିଲା ଅର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲେବର୍ସ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ତ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ମାନେ କିଏ ଜାଣିଲ ଯାହାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ହେଇଥିବେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିସାବିଲିଟି ଥିବ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କିଏ କରୁଥିବ ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେହି ବି ଆସିଯିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନାଓ ଫୋର୍ଥ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲେବରର୍ସ ସେଇଟା ତ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଗଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ସପୋର୍ଟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେନ୍ ତମର ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର ସପୋର୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସୋ ଲାଇକ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡେଥ୍ ବଗେରା ହେଉଛି ସୋ ଦେଟ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫାସିଲିଟି ତ LIC ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫର୍ସ ପିଓର ଟର୍ମ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ଅଫ୍ 2 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଓର ଟର୍ମ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ତୁମର ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ତୁମର ସେତିକି ପୁରିଯାଉଛି ଏଜ୍ ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ନୁହେଁ କି ତୁମେ ଲାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସୋ ଇଟ୍ ଅଫର୍ସ ପିଓର ଟର୍ମ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ଅଫ୍ 2 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ ଏଟ୍ ଏ ଭେରି ନୋମିନାଲ୍ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଫ୍ 330 ରୁପିଜ୍ ତ 330 ଟଙ୍କା ପର୍ ଆନମ୍ ଦେଲେ ତୁମର କେତେ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତୁମେ କରିପାରିବ ଦେଟ୍ କେହି ବି କରିପାରିବେ କିଏ କିଏ କରିପାରିବେ ଟୁ ଅଲ୍ ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ ଏଜ୍ ବିଟୁଇନ୍ 18-50 ଇୟର୍ସ ସୋ ମୁଁ ବି ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଲାଇକ୍ ନେଇଛି ଲାଇକ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦିସ୍ ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ତୁମର 330 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୋ ତୁମେ କେଉଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଏଜ୍ 18-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତୁମେ 330 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇକି କ'ଣ କରିପାରିବ ଏଇଥିରେ କଭର୍ କରିପାରିବ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କଭର୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 55 ଇୟର୍ସ ତ 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମର ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ବିଫୋର୍ 55 ଇୟର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଉଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମ ଯାହାର ନୋମିନି ଥିବେ ତୁମର ଯିଏ ତୁମର ୱାଇଫ୍ ହେଉ କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ କେତେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ କେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ ଯେମାନେ 18-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇତେ ପଡ଼େ 330 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ 55 ଇୟର୍ସ କେତେ କେମିତି ମିଳିବ ଯଦି ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଡେଥ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିଲା ୱିଲ୍ ବିୟର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ 165 ରୁପିଜ୍ ତ ଇଏ 330 ଟଙ୍କାର 50% କେତେ ହେଲା 165 ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିଲା କି ଯଦି 18-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଫାର୍ମର୍ସ ଥିବେ ତାଙ୍କର 50% ସେୟାର
आई विल टेक माने से बर्डन करियो हला किए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सो इट हैज बिकम मोर इजियर. सिमिलरली पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ 2 लाख रुपीज एट अ वेरी नॉमिनल एनुअल प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज. सो दिस इज एक्सीडेंट कवर पर्सनल एक्सीडेंट दिस इज फॉर एनी कारण तुम कॉज ऑफ डेथ किसी भी पारे यदि 55 वर्ष होते मरी जाओ बट दिस इज व्हाट एक्सीडेंट इंश्योरेंस केते 2 लाख टंका एट वेरी नॉमिनल एनुअल प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज फॉर ऑल सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर एज बिटवीन 18 to 70 years. तो किए जॉइन कर पारे 1870 वर्ष विषय में कहीं भी जॉइन कर पारे बट तुम नेचुरल डेथ रे एउटा मिलवनी केते मिलियो यदि तुम एक्सीडेंट हो जाला दैट कैन बी बस कार ट्रेन एनीथिंग. सो 1870 वर्ष होते जॉइन कर पारे केते नो एनुअल प्रीमियम ओनली 12 रुपीज. दिस वाज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम बट इम्प्लीमेंट किए करछि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोथ दिस. तो 1870 वर्ष भितर विथ लाइफ कवरेज ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर एक्सीडेंटल डेथ तुम जब डेथ हो तो 2 लाख टंका डेथ और फुल डिसेबिलिटी हेल्ले भी 2 लाख टंका 1 लाख रुपीज फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी. तो ये स्कीम ना कौन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. तो यही स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कौन कर बियर विल बियर फार्मर सेयर ऑफ 6 रुपीज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 years 18 to 50 वर्ष वयस भितर 6 टंका मैंने 50% बियर कर किए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. तो बोथ ये 18 to 50 वर्ष लोक तो ये 165 टंका 86 टंका टोटल के 171 रुपीज किए बियर कर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को ग्रुप फार्मर ग्रुप ऑफ 18 to 50 years हेलो एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ सॉरी एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ 12 रुपीज फॉर द फार्मर्स बेनिफिशियरी ऑफ एज बिटवीन 51 to 70 years 51 to 70 years भितर जो फार्मर्स थे पूरा 12 टंका बियर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. सो ये स्कीम में कते लोक कवर होती कवर्स अराउंड 57 लाख फार्मर्स विथ एनुअल कॉस्ट ऑफ 85 करोड़ रुपीज है तुम सब फार्मर्स मैंने जो 32.8 लाख थे आउ 24 लाख्स लैंडलॉर्ड्स लेबर थे तो सब मिसाई देते तुम अराउंड 57 लाख्स हो जाए. तो ये कते टाँचा खर्च हम बजेट रे 85 + 85 2 वर्ष 170 करोड़ रुपीज ओके. सो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट. फाइनली लास्ट कंपोनेंट ऑफ द कालिया स्कीम इज इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स. सो वल्नरेबल लैंडलेस लेबरर्स कल्टिवेटर्स श्रेयर क्रॉपर्स एंड एग्रीकल्चर फैमिलीज आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत किए आइडेंटिफाई कर ग्राम पंचायत मान कर क्या वल्नरेबल लैंडलेस लेबरर्स जमानकर लैंड ना कल्टिवेटर्स श्रेयर क्रॉपर्स एंड एग्रीकल्चर फैमिलीज दे विल बी प्रोवाइडेड व्हाट विल विथ क्रॉप लोन्स अप टू 50,000 रुपीज मेड अवेलेबल एट 0% तो यदि 50,000 पर्यंत लोन नौ इंटरेस्ट के 0% है फ्रम प्रेजेंट 1% तो एवं 1% ना दिह से 0% कर दिखाई तेणु अलरेडी 1% देखा से तो बियर करूला ही करूला बट आहरी 1% टाक भी सी कौन करदेला मानने ये 2 वर्ष पीरियड भितर कौन कर 0% करदेला है. सो लाइक दैट सिंस अबाउट 11,000 crores ऑफ क्रॉप लोन्स इन दिस कैटेगरी तो ये जो 50,000 टकर कम कैटेगरी वाला लोन के फार्मर्स लोन अराउंड 11,000 crore सब वर्ष होगा तेल 11% जब 1% देखा के 110 crore तो तार 1% के 110 crore आनुअल किए बियर कर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. सो 2 वर्ष के 220 crore. सो ए डायरेक्ट अटैक एट पॉवर्टी दिस ऑल इनक्लूसिव एफिशिएंट स्कीम पैशनेटली बिलीव्स इन रेस्पॉन्सिबली लेंडिंग रेलेवेंट बोरोयर्स एनश्योरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर. सो डायरेक्ट अटैक एट पॉवर्टी होगा दिस ऑल इनक्लूसिव एफिशिएंट स्कीम पैशनेटली बिलीव्स इन रेस्पॉन्सिबली लेंडिंग रेलेवेंट बोरोयर्स एमती नुह कि धनी धनी फार्मर्स को भी दिया दे रहे हो इसलिए से टारगेट क्या कला स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जहाँ कम जमी अच्छी कि लैंडलेस लेबरर्स टीनर्स शेयर ग्रोपर्स राइट वल्नरेबल कल्टिवेटर्स और लैंडलेस लेबरर्स तो ये टारगेट करके स्कीमटा बनाई है दिट्स अ वेरी इफेक्टिव स्कीम. सो आम जो नेक्स्ट स्लाइड फ्यूचर स्लाइड कंपेरिजन करवा लाइक पीएम किसान योजना एंड अदर स्कीम्स ऑफ स्टेट्स सो यू विल फाइंड इट खड़िया स्कीम इज द बेस्ट स्कीम टिल नाउ राइट फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड ऑल. सो येस दिस इज द ओके दिस इज कंपोनेंट वाइज फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ए ब्रीफ. तो आम जो 5 कंपोनेंट पढ़े कौन के टाँचा खर्च होगा. सो कंपोनेंट ऑफ कालिया योजना नंबर ऑफ बेनिफिशियरी स्केल ऑफ असिस्टेंट टोटल अमाउंट कैसे सो आम जमी पढ़ू 10,000 crore तो एक्जाक्ट इज 10,180 crore है जो 2.5 वर्ष भितर ओडिशा गवर्नमेंट बजेट कर. तो फास्ट कौन है सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल कल्टिवेटर्स फॉर कल्टिवेशन. तो आम फास्ट क्या पढ़ू कंप्रिहेंसिव असिस्टेंस टू कल्टिवेटर्स तो जो थे कि ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मैंने टारगेट होता फार्मिंग फैमिली बेसिकली मार्जिनल मैंने क्या जहाँ एग्रीकल्चर जमी गोटे हेक्टर कम थी स्मॉल मैंने जानकर जमी गोटे हेक्टर रु 2 हेक्टर भितर थी है. सो हेक्टर एंड एकर भितर रिलेशन आम पढ़ी गोटे हेक्टर है 2.47 acres गोटे एकर है कैसे 100 decimal है लाइक दैट. सो गोटे डिसमिल के स्क्वयर फुट मतलब कमेंसेसन कह है
देन थर्ड स्कीम थी कौन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वल्नरेबल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स। फोर्थ वाला कौन था लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट टू स्मॉल मार्जिन फॉर एवरीवन इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स राइट। तो प्रथम कंपोनेंट रे केते कवर होती 92% मार्जिनल कवर स्मॉल एंड मार्जिनल कल्टीवेटर के 30.176 लाख ताक कत टाँग लिखा दिखाई 5,000 टाँग पर फार्म फैमिली पर क्रॉप सीजन। तो पांचटा क्रॉप सीजन थी 25,000 टाँग तो टोटल 25,000 टाँग 30 लक्ष जब कवर कर 7,540 कोटी टाँग होता। सेकेंड कंपोनेंट रे कवर होते लैंडलेस वाला कैटेगरी 10 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स ओवर 3 इयर्स तो टोटल 3 वर्ष भितर केते मिलुतला 12,500 टाँग पर हाउसहोल्ड। तो टोटल 12,500 मिलुतला एटी 5,000 × 5 25,000 तो लाइक दैट। नेक्स्ट वल्नरेबल कैटेगरी वालों को केते मिलुतला केते जन कवर होतले 5 लाख हाउसहोल्ड्स ईच इयर तो 10,000 टाँग पर हाउसहोल्ड। तो केते गेले टोटल खर्च होला हमरा 1,000 कोटी टाँग राइट 1,000 करोड़ रुपीज। तो 5 लाख प्रति वर्ष होगा कैसे 10 लक्ष हो गए 10 लक्ष × 10,000 1,000 करोड़ है। लाइफ इन्सुरेन्स जो पढ़ले ऑलरेडी दुटा योजना जो थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से फार्मर्स मान को जो प्रीमियम थी से गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो दुर्ष भितर दब है। तो जो 18-50 वर्ष वाला कैटेगरी को 165 दौला जीवन ज्योति बीमा योजन आ 50% दौला ये जो 12 टाँग 6 टाँग दौला सुरक्षा बीमा योजना आ 51-70 वाला को खाली दौला जो सेकेंड वाला कैटेगरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 12 टाँग। तो ये 170 करोड़ खर्च होता इंटरेस्ट फ्री 20 लक्ष फार्मर्स अलमोस्ट जो कि 50,000 टाँग तल भितर लोन नौते 0% करदे 1% लू तो 110 टाँग पर इयर है 220 कोटी टाँग। तो टोटाल जो सब आड करदे 10,180 करोड़ रुपीज जोड़ा कि 2018-19 रबी सीजन रु 2020-21 पर्यंत थिला पांचटा सीजन को मिसले एति टाँचा बजेट होता। ओके बट व्हाट हैपेंड इन 2019 व्हेन पीएम किसान योजना केम देयर वाज ए मर्जर बिटवीन कालिया योजना एंड पीएम किसान स्कीम। व्हाट इज पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सो द डिसीजन टू रिड्यूस कालिया असिस्टेंस वाज टेकन आफ्टर द ओडिशा गवर्नमेंट मर्ज द कालिया स्कीम विथ द सेंटर्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवे लॉन्च होता फेब्रुआरी 2019। सो एज पर द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जे कि कालिया स्कीम को इम्प्लीमेंट करूला। सो कीपिंग द प्यारिटी ऑफ बोथ द स्कीम्स कहवा अनुसार कौन दुटाक स्कीम को प्यारिटी करी द स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स मे बी गिवेन विथ 5,000 फॉर 2019-20। तो कहीं ऑलरेडी तो स्टार्ट होता तो सही टाइम देदे बट 2020-21 कौन हम सी पीएम किसान रो देदेव तुम 6,000 टाँग आ 4,000 देदेव कालिया तो टोटल 10 मिल तो 4,000 पर इयर फ्रम 2020-21 खरीफ फसल पाखु सो दैट दे विल गेट 10,000 आनुआली दैट इज 6,000 रुपीज फर पीएम किसान एंड 4,000 फ्रम कालिया। बट एटा कौन है खाली प्रथम कंपोनेंट कालिया स्कीम कवर है कहीं ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिलला वल्नरेबल वाला को नहीं मिलला कि तुम जो सेकेंड वाला कंपोनेंट कौन थी लैंडलेस लेबरर्स मिललानी तो से कालिया स्कीम अनुसार मिल। सो एज ऑल द एलिजिबल फार्मर्स विल गेट असिस्टेंस फ्रॉम पीएम किसान फ्रॉम 2019-20 नो असिस्टेंस फॉर राबी 2019 विल बी गिवन अंडर द कालिया स्कीम। तो 2019 राबी सीजन जो जोड़ा शीतदिनिया हुए नवंबर डिसेंबर अक्टोबर आड़े तो सही स्कीम सेटा भी तुम्हारा पीएम किसान कवर हो गला। सो नो असिस्टेंस फॉर राबी 2019 विल बी गिवन अंडर कालिया स्कीम टू दिस फार्मर्स adding that the beneficiaries who have not yet received financial assistance during 2018-19 under kalyan scheme will also be provided assistance for rabi 2018-19 hala to je manku kaliyar milina seda milibo but je manku pm kisan miluchi se manku kon kochi all as all the eligible farmers jo marginal or small wala se manku pm kisan ra milila 2019-20 ru to 6000 already miligala aw all tanku 5000 already mili sarthila तो से कौन मिसिक होगा 10,000 टाँग तो से रबि दे सो लाइक दैट। सो सो दिस इज व्हाट हैपेंड देन आउ कौन कहे से जो नोटिफिकेशन ए लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर तो जोड़ा सेकेंड कंपोनेंट वाला था लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर था सो ही विल बी एलिजिबल टू गेट 12,500 रुपीज तो सहीटा तो तुम्हारा कवर होनी कौन पीएम किसान तेणु यहाँ एक्सक्लूसिवली कालिया योजना अनुसार कवर हम इन 3 इंस्टॉलमेंट्स फॉर लाइवलीहुड एक्टिविटीज लाइक गोटरी बैकवर्ड पोल्ट्री पोल्ट्री एपिकल्चर मशरूम कल्टिवेशन डकरी एंड फिशिंग किट। तो 12,500 एका देवानी 3 वर्ष भितर 3 टा इनस्टलमेंट रे देबे 5,000, 3,000 और 4,500 रुपीज है। तो लैंडलेस एग्रीकल्चर जो लेबरर अच्छे से पीएम किसान रे कवर हो तेणु तुमको मिल 12,500 टाँग केते 3 वर्ष भितर मिल 12,500 3 टा इनस्टलमेंट रे है। सो दैट विल रिमेन बट जे मैंने जो फास्ट कंपोनेंट वाला थे
अलमोस्ट 30.1 लाख कल्टिवेटर्स स्मॉल एंड मार्जिनल तो से मिसिक मिल दुटाक स्कीम रू तो द फार्मर्स रिसाइडिंग अंडर अर्बन लोकल बॉडीज विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर बोथ द स्कीम्स बोथ पीएम किसान एंड कालिया स्कीम्स विल हैव कॉमन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एज द कोऑपरेशन डिपार्टमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कहूँ कि कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो अच्छी स्टेट दैट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन अप टू 1 लाख रुपीज टू ऑल फार्मर्स तो सी कहते कि सब फार्मर को लक्ष टा पर्यटन तुम्हें जब क्रॉप लोन नौ तुमको इंटरेस्ट फ्री करदेव तो सब जो कंपोनेंट थी के नंबरटा तुम जो लास्ट कंपोनेंट इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन अप टू 50,000 अंडर कालिया हुज एज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन अप टू 50,000 रुपीज टू ऑल फार्मर्स हैज बीन सब्ज्यूड तो आई सेपरेटली कालिया स्कीम यहाँ रहा दरकार नहीं कहीं अलरेडी ये 1 लाख पर्यटन ही देला किए कॉपरेशन डिपार्टमेंट जो कॉपरेटिव बैंक थ्रू लोन वगैरह दिखते सो नीड नॉट बी फर्दर कंसीडर अंडर कालिया सो दुईटा जिनस होगा प्रथम कंपोनेंटा तुम कौन होगा सेटा मिसीगला का सहित प्रथम कंपोनेंट जो कालिया था फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल कल्टिवेटर्स दैट वाज इंटीग्रेटेड विद द पीएम किसान आ सेकेंड कंपोनेंट जो था फॉर लैंडलेस लेबर दैट रिमेन्ड सो दैट वाज नो चेंज आ जो थर्ड था थर्डटा कौन था वल्नरेबल वल्नरेबल से रहा जो मिलता तुम 10,000 टाँह रईट तीन वर्ष भितर से रहा आउ जो फोर्थ था से रहा फिफ्थटा जो था दैट व्वाज ह्वाट हेपेड दैट व्वाज इंटीग्रेटेड और सब्ज्यूम्ड विथ द अंडर द कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बिकज तुम से रही सो से कालिया अंडर आज कनसीडर करनी सो ए पचार तुम के कंपोनेंट अच्छी इनिशियाली तो पाँचटा था चार्टा अच्छी है अब्वियसली 2020-21 तो सब खत्म होगा ओनली फास्ट टाइम थी रईट सो मर्जर अफ कालिया योजना एंड पीएम किसान स्कीम सीज द नंबर अफ बेनिफिशरी अंडर कालिया हेज इनक्रीज सो दैट नो वन विल बी लेफ्ट आउट सो आडिंग दैट द कंपोनेंट अफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वल्नरेबल ओके ओके सो जो तुम थर्ड कंपोनेंट था दैट वाज अल्सो इनक्लूडेड सो एबे से थर्ड कंपोनेंटा भी सेटा खत्म होगा जितने मर्जिंग है तो सी टेलिंग दैट सीज द नंबर अफ बेनिफिशरीज अंडर कालिया हेज इनक्रीज तो कालिया स्कीम अनुसार जो बेनिफिशरी मानक संख्या बढ़ीगला से नो वन विल बी लेफ्ट आउट सो जो थे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता क्या वल्नरेबल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स मानक वल्नरेबल मैंने जी कौन बुढ़ा डिजीज एंड ऑल तो से माने जो सेटा कालिया स्कीम ड्रॉप हो गला कहीं ना ऑलरेडी प्रथम कंपोनेंट रे ही कौन हो गला तांकर इंटीग्रेट हो गला राइट ओके इट इज आल्सो सेड दैट सिंस द कालिया स्कीम हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय द फार्मिंग कम्युनिटी द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टिल द पीएम किसान स्कीम कंटिन्यूज तो इनिशियल तो स्टेट कहला कि कौन आम 5टा सीजन पे दबू 10 माने टोटल 2500 टाँह तो सेटा सरीगला 2020-21 ना जो 21-22 बजेट आसी तो से भी आम पढ़ी बजेट सेसन में आम बजेट सेसन गोटे भिड बनई इट वाज लॉन्ग वीडियो 2 आवर्स वीडियो से बहुत प्रोमिनेंट स्कीम जोड़ा एबे ऑलरेडी एक्टिव अच्छी डिस्कस कर प्लीज वाच दैट वीडियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल द स्कीम्स ऑफ ओडिशा एंड अबाउट द बजेट ओके बजेट ऑफ ओडिशा सो से भी आम देखल 1800 कोटी टाँह अनाउंस फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 तो सी कौन कहला आम जो 5टा सीजन करके एक भल क्योंकि ये स्कीमटा बहुत लोग आक्सेप्ट करते तो जिते पर्यटन पीएम किसान स्कीम चलती है कहीं तो अलरेडी 6,000 मिल जाऊँगी आम 4,000 मिसाई देवा सो दैट दैट विल कंटिन्यू ओके बट एथे कौन है अपोजिशन बीजेपी एंड कांग्रेस जो जितने मर्ज होगा कौन कालिया पीएम किसान तो जो बीजेपी और कांग्रेस थे बहुत अपोज कले ऑब्वियसली दे विल अपोज बिकज से प्रमिस करते 10,000 टाँह आम देव तो 10,000 आ 6,000 मिसिक 16,000 हो जाता बट एम कौन कले मर्ज करदे तो ओडिशा जो स्टेट बजेटा कमीगला टी तो बीजेपी कांग्रेस है स्ट्रॉली क्रिटिसाइज द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ मर्जिंग कालिया स्कीम विथ पीएम किसान व्हाइल ओडिशा इज लीडिंग फार्मर्स बॉडी ओडिशा गोटे फार्मर्स बॉडी अच्छी जोड़ा नवनिर्माण कृषक संगठन NNKS नवनिर्माण कृषक संगठन इट हैज डिसाइडेड टू फाइल कंप्लेंट्स इन ऑल पुलिस स्टेशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फॉर मेकिंग फॉल्स प्रमिसेस टू फार्मर्स बिफोर इलेक्शन सो दे तो जो नवनिर्माण कृषक संगठन अच्छी से कौन कला सी सब पुलिस स्टेशन रे माने कौन कंप्लेन फाइल करछि अगेंस्ट व्हाट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा कि सी प्रमिस करते इलेक्शन पूर्व बट ही हैज नॉट सी से रखिले बिकज ऑब्वियसली सी हैज मर्ज दैट सो ऑब्वियसली नथिंग विल हैपन बिकज इट वाज अ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट सो नॉट अ लीगल अनाउंसमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यस दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट स्लाइड जितकी स्कीम्स अच्छी एत पर्यटन आम इंडिया तार गोटे कंपेरिजन तो कंपेरिजन अफ कालिया स्कीम अफ ओडिशा राइथु बंधु स्कीम अफ तेलंगाना जोड़ा कि विभिन्न कालिया पूर्व ही आसाला अन्नदाता सुखी भव जोड़ा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रूर्वर ही आना था YSR राइथु भरोसा बट एबा ही अन्नदाता सुखी भव अन्नदाता के कृषक मैंने सुखी भव से सुखर रुहतु सो दैट्स व्हाट देन पीएम किसान ऑफ कोर्स सो लॉन्च्ड इन स्टेट ओके
So Kaliya scheme was launched by Odisha when December 2018. Raithu Bandhu was the first scheme to be launched. Similar joda ki ibhaliya scheme itre. Telangana government korthila. Telangana government ko party rule korchi ebe. Chief Minister of Telangana kiye? KCR, right? K Chandrasekhar Rao. And May 2018 ne se launch korthila eta. Annadata Sukhi Bhava, it was launched by Andhra Pradesh government. Jo YSR achandi. What is that? YSR Jagaman, na kya naam uska? YSR Jagmohan, right? Actually, naam yaad nahi rakh rahe. So somebody can write in the comment section. Who is the current Chief Minister of Andhra Pradesh and what is the party name? Party name is YSR Congress, right? PM Kisan was launched by center in December 2019. So remember this, Kota ke launch itla. So pratham hela Raithu Bandhu, second re Kaliya, tapre hela tomaro PM Kisan, then Annadatta Sukhi Bhava PM Kisan, okay? Right, so it should be, it's not December 2019 because election purvaru semane launch karthile na December tamar diya gala tonka ta, but pada gala, sorry, last slide. It should be around interim budget tamar kebe ase February ase na, February March ade, so it should be March, maybe February or March, like that it will come. Okay, interim budget jo hai tamara before election they have announced that, okay? Yeah. तो यस तो कालिया स्कीम रे के मान कवर होचो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड वल्नरेबल कैटेगरी तो तमरो इथरे आसी गला ऑलरेडी आफ्टर मर्जिंग सो टेनेंट्स एवरीवन इज कवर्ड राइथ वंदरे के ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स एथरे टेनेंट्स माने आउना तो टेनेंट्स आर एक्सक्लूडेड टू प्रिवेंट लीगल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ टेनेंसी तो लीगल डिस्प्यूट किए मु एडी चासो करछी तो एडी चासो करछु एंड ऑल सेई सब डिस्प्यूट टू पंचिया पई सेने कोन कले जो टेनेंट्स मान को कवर कलेनी सो बट से टेनेंट्स मैंने बहुत था बहुत संख्यार से कवर हेल्ले तो इट वाज ए लॉस फॉर देम सो दैट्स अ कालिया स्कीम वाज मोर इनक्लूसिव इवन पीएम किसान इज ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सो दैट पीएम किसान इज मोर इनक्लूसिव देन राइथु बंधु बिकज राइथु बंधु तुम कौन किसी तरह कैप ना है मैंने तुम जिते भी जमी था कहीं ऑब्वियसली तुम कैप अनुसार थी मैंने मैक्सिमम जड़े तो एग्रीकल्चर लैंड तेलंगाना गवर्नमेंट अनुसार जहाँ भी थी अराउंड 50 acres से रखिपार किंतु एमती नुह कि ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल इवन जो वेल वेल्दी फार्मर्स मानक भी तुम कौन सपोर्टा मिलला कि पीएम किसान ने ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जोटा कि तल वर्गर फार्मर मानक इवन कालिया स्कीम अल्सो दैट कि कालिया स्कीम तुम लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स को कवर करछ जोटा कि पीएम किसान करूनी एंड व्हाट अबाउट अन्नदाता सुखी भाव दैट इज कवरिंग ऑल फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स फाइनेंस सो इट इज अल्सो यू कैन से इनक्लूसिव बिकॉज इट इज कवरिंग लैंडलेस टेनेंट्स बट ऑब्वियसली वेल्दी फार्मर्स को भी इनक्लूड कर सो दैट कुड हैव बीन ड्रॉप्ड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन ए गुड सिचुएशन राइट नाउ सो इफ विल टेल मी व्हिच वन इज मोर इनक्लूसिव आई विल से कालिया ऑब्वियसली बिकॉज इट इज इनक्लूडिंग ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड जो मैंने निडी से दौर है सो टेनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स इनक्लूड येस कालिया इनक्लूड अच्छा अन्नदाता येस इनक्लूड अच्छा बट राइथु बंधु नो पीएम किसान नो कैसे टाँगा मिलूँ कालिया डिफर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ओके ऑब्वियसली आम देखल एवं अलग अलग कैटेगरी अलग अलग मिलूँ प्रथम कंपोनेंट तुम मर्ज होगा पीएम किसान 6000 मिलूँ आ कालिया 4000 मिलूँ जोटा कि इनिशियली थी लाइक 10,000 पर ईयर थी और 5,000 पर सेसन सीजन क्रपिंग सीजन तो यहाँ फार्म पर फार्म फैमिली मिलूँ है जोटा कि अलमोस्ट 30-40 lakh कवर होती है आज जो सेकंड गवर्नमेंट थी ऑब्वियसली तो फुल्ली कालिया स्कीम मिलूँ सो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल राइथु बंधु जो तेलंगाना गवर्नमेंट से मिली यूनिफॉर्म फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ 5,000 रुपीज पर एकर पर सीजन है तो ये पर एकर मिली 5,000 टाँचा आ पर सीजन मिली पर एकर पर सीजन 5,000 टाँग मिली तो टोटाली वर्ष मिली 10,000 टाँग है राइथु बंधु अन्नदाता सुखी हाब सो इनिशियली इट वाज व्हेन आई टोल्ड एज आई सेड इट वाज द इनिशियल नेम वाज राइथु भरोसा लेटर इट वाज चेंज टू अन्नदाता सुखी हाब इनिशियली एथरे थिला 13,500 टाका बट इट वाज लेटर इनक्रीज टू 15,000 रुपीज तो करेंटली 15,000 रुपीज मिलूँ क्या नॉन बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम किसान माने जे माने लैंडलेस लेबर टेनेंट्स पर फार्म फैमिली 15,000 मिलूँ आ जे माने ऑलरेडी तुम्हारा पीएम किसान अच्छा बेनिफिशियरी ऑलरेडी क्योंकि ना 6,000